ओके जी, अभी सुबह को हम नाश्ता करने लगे हैं, ठीक है, नान है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अगेन। अभी हम नाश्ता करने लगे हैं और नाश्ते के बाद फौरन निकल जाएंगे और नाश्ते की नान चने से करने लगे हैं। Few moments later. Okay, यार अभी हमने नाश्ता कर लिया और अभी हम चाय सिर्फ पियेंगे। 12 रुपए का नान है और 50 रुपए के हाफ चने, तो ठीक है, नॉर्मल प्राइस है, 100 रुपए का प्याला, लेकिन मज़ेदार नहीं थे चने, मज़ेदार नहीं थे, लेकिन ये है कि चाय पीते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह कलान की तरफ सफर स्टार्ट करते हैं। हम लोग बाइक को थोड़ा गर्म किया, बाइक स्टार्ट की है, बाइक है एक, क्योंकि इसकी इस तरह ऊंचाई और गहराई बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में ना, तो क्लच का थोड़ा सा मसला हो गया है। क्लच अभी इंशाल्लाह हम मानसहरा जाके सही करवाएंगे। पैकिंग हमने कंप्लीट कर ली हुई है, बाकी ऑयल चेंज हम नहीं कर रहे। ऑयल चेंज इंशाल्लाह 163 किलोमीटर यहाँ से कगान है, तो मानसहरा थोड़ी देर ब्रेक करेंगे, क्लच सही करवाना है, यामाहा स्टोर अलग करे अगर मिल गया तो। ये मुजफ़्फ़राबाद का ख़ूबसूरत व्यू है। मुजफ़्फ़राबाद का हम अभी नारान कागान की तरफ जा रहे हैं, तो ये रास्ते में बहुत ख़ूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। ये मुजफ़्फ़राबाद से थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, शायद छोटा सा, लेकिन ये टॉप से इतना ख़ूबसूरत और इतना हसीन नज़ारा लगता है। हम लोग शुग्रा के करीब, शुग्रा हमने क्रॉस कर लिया है, तो अभी हमारा करीबन कोई 67 किलोमीटर रह गया है नारान, तो हमारा आखिरी जो स्टॉप है वो नारान होगा। मरी से निकले हुए हमें कोई करीबन कोई 4 घंटे हो चुके हैं, कहीं हम रुक रहे हैं, कहीं मुसलसल बाइक चला रहे हैं, तो क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने ऑलरेडी भी बताया था कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इतने माशाल्लाह, मतलब अल्फाज में मैं यार बयान ही नहीं कर सकता, इतने हसीन मनाजर हैं, इतनी खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने इस इलाके को इतना हुस्न नवाजा है जिनको अल्फाज में तो बयान किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस ये है कि अभी वहाँ पे एक्सपेक्टेड है बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है, हम लोगों ने अपने सामान के ऊपर, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन वहाँ पे 4 सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर है अभी भी, तो मतलब एक्सट्रीम किस्म की ना वहाँ पे सर्दी है, हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी सर्दी नहीं देखी, तो हम उस सर्दी को भी जाके चेक करेंगे। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, यहाँ से टॉप पे ना बिल्कुल मतलब बर्फ ही बर्फ, वाइट हुआ पड़ा है सारा का सारा ना जो है पहाड़, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। Thank you.
हम लोग का नारान से 10 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल इस तरह चढ़ाई है। बाइक पनाह मांग रही है और हमारे ऊपर, क्योंकि बाइक के ऊपर लोड भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे आपको शोर भी आ रहा होगा नीचे, चूँकि चश्मे बह रहे हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, थोड़ी हल्का फुल्का है थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 4 बज चुके हैं, तो कुछ थोड़े बहुत खा लेते हैं फिर आगे जाके शाम का खाना खाएंगे इंशाल्लाह। अब हुआ ये कि हम लोग आए थे यहाँ पे नारान के लिए और झील सैफुल मलूक के लिए, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। तो इतनी ज़्यादा स्नो की वजह से सारे एरियाज बंद हैं और हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ रहा है। लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है शायद, तो आगे नहीं जाने दे रहे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग रूम में रुकते हैं यहाँ पे। अब कमरा ले लिया है, काफ़ी बड़ा कमरा है और देखते हैं कि ये कैसे, कल हो सकता है हम 2-3 दिन यहाँ पे रुकें। तो अभी के लिए इतना ही, अभी खाना खाने चलते हैं, खाना खाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। शायद अभी थोड़ा थोड़ा दिन है, 5:30 हुए, लेकिन यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा ना रोशनी नहीं है, इसलिए कोशिश करते हैं। शायद बर्फबारी हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो लोग दूसरे इलाकों में मूव हो जाते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है, वरना और भी शायद यहाँ पे मसाइल कुछ हो सकते हैं। हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ गए, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो वो आपको नज़र आ रही है बर्फ़, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो अभी रात का व्यू कुछ ऐसा ही है। मैं और अरसलान ज़रा ऊपर आए थे, देख के आते हैं, मैंने कहा ज़रा ऊपर का व्यू, अभी दिन को इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली, अच्छी अच्छी वीडियोस, आवाज़ आ गई होगी आपको। और यहाँ पे भी कैंपिंग हो सकती है, ये देखो ना, ये सारा एरिया है ना, इजीली यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, कोई इशू नहीं, लेकिन क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे ये रिस्की है, शायद ये अलाउड नहीं कर रहे यहाँ पे ना कैंपिंग, या मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं अलाउ, कोई भी नहीं कर रहा। मरे भी देख के आए हर जगह पे, कोई भी कैंपिंग अलाउ नहीं करता। ओके, अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, ना महंगा नहीं है वैसे, 120 रुपये की प्लेट है, सब्जी कुछ भी ले लें, 25 रुपये की बड़ी रोटी है। अभी हम खाना के लिए, खाना खाने के लिए रुके हैं, कल आपको दिखाते हैं किस तरह की है। ये दाल है, खाने लगा मैं, और ये देखें, ये काफ़ी बड़ी रोटी है,
ये देखें इतनी बड़ी रोटी।